डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। जो वन शॉर्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से जो कंप्लीट चैप्टर हैं उनको एक सिंगल वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और जिसकी वजह से वीडियो लेंथ लंबी जरूर रहेंगी, लेकिन उसमें जो खास बात रहेगी कि सारा जो चैप्टर का कंटेंट है वो एक ही जगह आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ में हम केवल जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जो गोल्डन लाइंस हैं एनसीईआरटी की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे, और साथ में इस कंटेंट को आपको साथ साथ में नोट करने की या स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीडीएफ फॉर्मेट है इस वीडियो लेक्चर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर जो 6 है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो टिश्यू क्या होता है? तो टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो कि कॉमन ओरिजिन है और यूजुअली परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन। तो ये डेफिनेशन प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों में लागू होती है कि जब सेल्स हैं, एक जैसी जो सेल हैं वो जो ग्रुप बनाती हैं, उनका जो ओरिजिन है वो एक ही जगह से बनी हुई होती हैं, और उनका जो फंक्शन है वो भी एक स्पेशलाइज्ड एक कॉमन फंक्शन वो सारी सेल करती हैं, तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यू के जो प्लांट्स में टाइप हैं उनको हम समझते हैं। तो प्लांट टिश्यू मेनली टू टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो कि डिवाइडिंग कैपेसिटी लिए होते हैं, जो डिवाइड कर सकते हैं, और जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है वो आगे तीन प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम इनकी पोजिशन के बेस पे कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो एपिक्स पे जो टिप पे पोर्शन पे प्रेजेंट होते हैं वो एपिकल मेरिस्टेम, जो आगे हम देखेंगे दो टाइप का होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कि एपिकल मेरिस्टेम से नीचे प्रेजेंट रहता है, इंटरकैलरी एक्जिल पोजिशन पे प्रेजेंट होता है जहाँ से ब्रांचिंग वगैरह निकलती हैं। उसके बाद लेटरल मेरिस्टेम जो कि जो विड्थ है, जो कि ग्रीथ है, मोटाई है स्टेम की, उसको बढ़ाने में मदद करता है, स्टेम है या रूट है उसको लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। उसके बाद जो परमानेंट टिश्यू है उसके आगे दो टाइप रहेंगे, सिंपल, सिंपल में एक ही टाइप की सेल मिलती है, कॉम्प्लेक्स में अलग अलग टाइप की सेल देखने को मिलती हैं। सिंपल आगे तीन टाइप का रहेगा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और पैरेन्काइमा भी दो टाइप की, एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, और जो स्क्लेरेन्काइमा है वो भी आगे टू टाइप का होता है, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स और स्क्लेरिड्स। तो इन्हीं का डिटेल हम इस पार्ट में देखेंगे, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं जिसके अंदर जाइलम और फिलोएम, और इनके भी आगे फर्दर कंपोनेंट्स देखने को मिल जाते हैं। जाइलम के चार कंपोनेंट होते हैं जबकि फिलोएम में पांच कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू से। ग्रीक वर्ड है ये मेरिस्टोस, इसका मतलब होता है डिवाइडेड। तो स्पेशलाइज्ड रीजन होता है ये जहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन पाया जाता है। तो इन टिश्यू की खास बात होती है कि ये लगातार डिवाइड करते रहते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, तो इसके टाइप हम देखेंगे। तो एपिकल मेरिस्टेम एट द टिप ऑफ द रूट, रूट के बिल्कुल टिप पे पाया जाता है, जिसको हम रूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। और जो सूट है, जो स्टेम है, ब्रांचेज हैं, तो सूट के जितने भी अलग अलग पोर्शन है उनकी भी टिप पे पाया जाता है, जिसको सूट एपिकल मेरिस्टेम बोला जाता है। लेफ्ट बिहाइंड एपिकल मेरिस्टेम कंस्टिट्यूट एक्जिलरी बड फॉर्मिंग ए ब्रांच और ए फ्लावर। तो इसका जो पीछे रहा हुआ जो भाग होता है, जैसे जब ग्रोथ करता है स्टेम, तो कुछ ना कुछ पोर्शन है एपिकल मेरिस्टेम का वो पीछे रह जाता है, और वो बाद में क्या करता है, जो कि एक्जिलरी जो ब्रांच हैं, साइड वाइज जो भी लेटरल ब्रांच होती हैं उनको बनाता है, जो फ्लावर वगैरह है, फ्लावर बड है, वो भी नीचे बनता है। स्पेसिफिक रीजन प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू। तो कुछ जगह पे यही जो टिश्यू है वो डर्मल स्किन का टिश्यू बनाता है, ग्राउंड टिश्यू जो पैकिंग का काम करते हैं, और जो हम टिश्यू सिस्टम में लास्ट में इस पार्ट के लास्ट में देखेंगे, जो तीन प्रकार के जो टिश्यू सिस्टम है वो भी इसी मेरिस्टमेटिक टिश्यू से बनते हैं। उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तो ये जो टिश्यू है वो मैच्योर टिश्यू के अंदर पाया जाता है, ग्रासेज के अंदर, एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूविंग बाय ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। तो ग्रासेज के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है कि जब कोई भी जो पशु है उनको, आवारा पशु जब उनको खा जाते हैं, तो ग्रासेज के अंदर वहीं से ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है, तो उसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं, जो उनकी रीजनरेशन में मदद करता है, दोबारा से प्लांट पार्ट बनाने में मदद करता है। उसके बाद सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम अकर्स इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट, ये मैच्योर रीजन में पाया जाता है, जो रूट और शूट एक बार ग्रोथ कर जाती हैं तो बिल्कुल पीछे जो पार्ट है वो यही रहता है। प्रोड्यूस वुडी एक्सिस एंड अपीयर लेटरल और सिलेंड्रिकल, लेटर एंड आर सिलेंड्रिकल।
तो ये ग्रोथ के बाद से मिलता है, बाद में मिलता है जब एक नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, तो सिलेंड्रिकल शेप के पाए जाते हैं, सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है जो सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है वुडी प्लांट्स के अंदर डाइकोटिलेडन में, वो सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टेम की वजह से ये होती है। एग्जाम्पल है जैसे फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और कोरक कैम्बियम, इनके बारे में सेकेंड पार्ट में डिस्कशन रहेगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यू, और एक इसके लिए सेकेंडरी जो टिश्यू होता है उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम डायग्राम से समझ सकते हैं जो कि एपिकल मेरिस्टेम में सूट एपिकल मेरिस्टेम है, तो जो टिप वाला रीजन होता है ये बिल्कुल सेल है यहाँ पे कॉम्पैक्ट मिलेंगी, और ये बिल्कुल हाईली डिवाइडिंग पोर्शन होता है। और उसके बाद, और ये रियल माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, जब हम सूट के बिल्कुल टिप को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो इस तरीके की दिखाई देती हैं। और उसके बाद यदि हम रूट टिप को जैसे माइटोसिसम स्टडी करते हैं ओनियन के अंदर, तो ओनियन रूट टिप को जब देखते हैं तो माइक्रोस्कोप में वो भी जो बिल्कुल लास्ट वाला पोर्शन होता है टिप वाला पोर्शन, तो वो रूट एपिकल मेरिस्टेम बनाता है। तो उसके बाद डायग्राम में हम अलग अलग मेरिस्टेम पढ़ सकते हैं। जो टिप वाला रीजन होता है वो एपिकल मेरिस्टेम होता है, किनारे पर प्रेजेंट होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो बीच में पोर्शन रह जाता है, जो कि ब्रांचिंग वगैरह है, ट्री जो भी फ्लावर वगैरह है वो भी प्रोड्यूस करता है, और साथ में जो ग्रासेज वगैरह है उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। यदि ऊपर वाला पोर्शन है वो खा लिया जाता है ग्रासेज उसके द्वारा, हर्बे जो ग्रेजिंग एनिमल है, तो ये नीचे वाला जो पार्ट है वो ग्रोथ आगे रेगुलर रखता है। जो लेटरल मेरिस्टेम है वो सिलेंड्रिकल पोर्शन में पाया जाता है, जो कि मोटाई है जो स्टेम की या रूट की उसको बनाए रखने में, उसको बढ़ाने में मदद करता है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। उसके बाद थोड़ा सा और रियलिस्टिक पिक हम देख सकते हैं यहाँ से, जो सूट उसका जो बिल्कुल टिप वाला पोर्शन होता है वहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। जो नोड है वहाँ पे इंटरकैलरी पोर्शन पाया जाएगा, जो कि ब्रांचिंग वगैरह है वो आगे क्रिएट करते हैं। लेटरल मेरिस्टेम जो कि स्टेम की जो मोटाई है उसको बनाए रखने में मदद करता है, और इसी प्रकार से जो रूट का बिल्कुल टिप वाला पोर्शन होता है जो बाहर से दिखाई देते हैं स्ट्रक्चर एनाटोमिकल, हमने पिछले स्लाइड में देखा है, तो वो एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है। उसके बाद है परमानेंट टिश्यू और इसके जो टाइप हैं। न्यूली फॉर्मड सेल बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड लूज एबिलिटी टू डिवाइड। तो जैसे ही मेरिस्टमैटिक टिश्यू से जो नई सेल बनती हैं डिवाइड हो के, तो वो जो नई सेल हैं वो आराम आराम से स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज हो जाती हैं। वो अपने काम में अलग अलग ढंग से अपनी शेप है वो चेंज कर लेती हैं, जो भी इनको काम करना होता है, और जिसकी वजह से वो अपनी जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है उसको खो देती हैं, तो वो परमानेंट टिश्यू कहलाता है। डू नॉट डिवाइड फर्दर, तो इनकी खास बात रहती है कि वो डिवाइडिंग करने की जो कैपेसिटी है वो खो देती हैं, आगे डिवाइड नहीं होती। तो ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल टिश्यू जिसके अंदर जो सारी सेल हैं वो एक ही प्रकार की पाई जाती हैं स्ट्रक्चर में और फंक्शन में। एग्जाम्पल रहेंगे इसके या फिर टाइप रहेंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इसके बाद का टॉपिक यही रहेगा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, अलग अलग इनकी प्रॉपर्टी रहेगी। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर जो सेल हैं वो अलग अलग टाइप की देखने को मिलती हैं, लेकिन वो सारी जो सेल हैं अलग अलग टाइप की जरूर होती हैं, लेकिन एक साथ मिलकर काम करती हैं, एक यूनिट में काम करती हैं, और टाइप रहेंगे जाइलम एंड फ्लोएम। तो सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा मेजर कंपोनेंट्स विद इन ऑर्गन, काफ़ी सारी जगह पे देखने को मिलती है ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू है। इसकी जो सेल हैं वो स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगनल, इलोंगेटेड, आइसोडाइमेट्रिक सेल देखने को मिलती हैं। गोलाकार शेप, अंडाकार शेप, गोल शेप भी मिल सकती है, पॉलीगोनल, अलग अलग जो जियोमेट्री है जिसमें काफ़ी सारी जो साइड हैं वो देखने को मिल सकती हैं। इलोंगेटेड लंबी सेल भी देखने को मिल सकती हैं। आइसोडाइमेट्रिक सेम डायमेट्रिक के अंदर भी सेम जिसका डायमीटर रहेगा उस टाइप की जो सेल हैं वो देखने को मिलेंगी। थिन सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, तो इनकी जो सेल वॉल है वो पतली होती है, थिन होती है और सेलुलोज की बनी होती है। आइदर क्लोजली पैक्ड, हो सकता है जो ये सेल हैं वो बिल्कुल पास पास में पैक्ड हों, लेकिन ज़्यादातर इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है वो देखने को मिलता है। फंक्शन क्या करते हैं, जो भी फोटोसिंथेसिस की सेल होती हैं जो स्टोरेज का काम करती हैं, और सीक्रीशन कुछ ना कुछ सब्सटेंस है वो सिक्रीट करेंगी, कोई पदार्थ सिक्रीट करने का भी काम करती हैं, जैसे अलग अलग जो प्लांट प्रोडक्ट हैं गम वगैरह रेजिन वगैरह वो भी सिक्रीट करने का ये काम कर सकती हैं, पैरेन्काइमा है। उसके बाद है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ कोटिलेडन डाइकोटिलेडन प्लांट्स, जिनके अंदर दो कोटिलेडन होती है, वुडी प्लांट जो होते हैं उनके अंदर एपिडर्मिस के नीचे कोलेनकाइमा पाया जाता है, और ये होमोजीनियस लेयर
और इन पैचेज, ये हो सकता है एक जैसी लेयर में हो, एक जैसी कंपोजिशन में हो सकता है, कुछ जगह जगह पे झुंड बना के रहे, ग्रुप्स में रहे, एक जैसा ही नहीं भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस नेचर में भी पाया जा सकता है। जो सेल की शेप है वो ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगनल सेल थिकन एट द कॉर्नर। तो ये खास बात रहेगी इसकी, जो सेल्स हैं हालांकि शेप ऊपर जैसी ही रहेंगी लेकिन कॉर्नर से मोटी होती हैं, सेल की जो मोटाई है कॉर्नर पे बढ़ जाती है। किसकी वजह से? यहाँ पे जो सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, ये पैक्टिन है, ये सब्सटेंस कॉर्नर पे डिपॉजिट होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो मोटाई वहाँ पे सेल वाल मोटी होती रहती है कॉर्नर से। आप ओफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, नो इंटरसेलुलर स्पेस, तो इनके पास क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस है वो नहीं देखने को मिलेगा। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्टर, जो इनका काम रहता है वो ग्रोइंग जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के उनको मैकेनिकल सपोर्ट, उनको अपनी जगह पे बनाए रखने का काम कोलेनकाइमा का रहता है। तो डायग्राम से समझ सकते हैं ये जो सिंपल सेल हैं, थिन जो थिन सेल वॉल होती है इनके अंदर और इंटरसेलुलर स्पेस भी देखने को मिलेगा, तो वो पैरेन्काइमा है। और उसके बाद जो कोलेनकाइमा वो एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती हैं और ये कोई भी यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉर्नर से जो सेल है वो थोड़ी सी मोटी देखने को मिलेगी। किसकी वजह से? जो हेमी सेलुलोज, सेलुलोज और पैक्टिन है वो यहाँ पे डिपॉजिट होता रहता है। उसके बाद है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में जो सेल है वो लॉन्ग नैरो होती हैं, पतली होती हैं और लंबी सेल पाई जाती हैं विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल वाल, जो कि मोटी होती हैं, और लिग्निफाइड का मतलब वहाँ पे लिग्निन जो सब्सटेंस है वो सेल वाल के अंदर पाया जाता है। हैविंग ए फ्यू और न्यूमरस पिट, और काफ़ी सारे छोटे छोटे गड्ढे देखने को मिलते हैं, कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं। सेल डेड मिलेंगी और विदाउट प्रोटोप्लास्ट, सूखी होती हैं अंदर, कोई भी मटेरियल इनके पास नहीं मिलता, साइटोप्लाज्म अब्सेंट होता है। कंपोनेंट्स होते हैं इसके फाइबर्स, फाइबर कैसे होते हैं? थिक वाल्ड, मोटी वाल होते हैं, इनकी इलोंगेटेड लंबे होते हैं और पॉइंटेड नुकीले होते हैं, ये सिरों से जनरली अकर्स इन ग्रुप्स और कई बार ये ग्रुप्स में पाए जाते हैं। स्क्लेराइट्स स्फेरिकल होती हैं, ये गोल होती हैं, ओवल शेप की मिलेंगी या सिलेंड्रिकल शेप भी देखने को मिल सकती है। हाईली थिकंड डेड सेल्स, और काफ़ी मोटाई इनकी सेल की देखने को मिलेगी विद वेरी नैरो ल्यूमन या फिर कैविटी, इनकी जो कैविटी है वो बिल्कुल पतली देखने को मिलती है। इंटर जो इनके इंटरनल स्पेस होता है वो कम मिलेगा। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन, तो ऑर्गन के अंदर जो स्पेस है वो भी कम मिलेगा। उसके बाद फाउंड इन फ्रूट वाल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ द फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर, स्पैटो, तो ये कहाँ कहाँ पे मिलती हैं? तो वो नट्स हैं जो अखरोट वगैरह उनकी वाल में पाया जाता है। पल्प ऑफ द फ्रूट्स लाइक गुआवा, तो पल्प जो छिलका होता है गुआवा के अंदर, उसके अंदर पाई जाती हैं। पियर नाशपाती के अंदर, स्पैटो ऐसे ही जो फल है उसके अंदर पाया जाता है। सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूम्स जो दाड़ें होती हैं उनकी सीड कोट में पाया जाता है, और साथ में जो मोटी परत होती है सीड को कवर करती है उसके अंदर, और जो लीव्स ऑफ टी चाय की पत्तियों में भी देखने को मिलता है। उसके बाद हम डायग्राम से समझ सकते हैं जो इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट है वो अब्सेंट मिलेगा, कोई प्रोटोप्लास्ट नहीं है, लेकिन जो सेल वाल हैं वो काफ़ी थिक होती हैं, डेड होती हैं सेल वाल, और अलग अलग शेप इनकी देखने को मिलती हैं। एनसीआरटी डायग्राम से समझते हैं, जैसे सबसे पहले जो A1 और A2 है ये पैरेन्काइमा है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, सेल एक ही टाइप की हैं। यदि हम उनको क्रॉस सेक्शन उनके अलग अलग लेते हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में जो इंटरसेक्टरल स्पेस है वो काफ़ी सारा देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही इसको लॉन्गिट्यूडिनली लेंथ वाइज काटते हैं तो हम प्लांट सेल जो नॉर्मल सेल दिखाई देती है, जैसे न्यूक्लियस है बीच में, काफ़ी जो वैक्यूल है वो सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल काफ़ी साइज में देखने को मिलता है, नॉर्मल जो प्लांट सेल हम बनाते हैं तो उस टाइप की जो सेल्स हैं ये देखने को मिलेंगी। लेकिन जैसे ही हम स्टेम को इस तरीके से काटते हैं, स्टेम को लेंथ वाइज काटा जाता है तो इस टाइप का सेक्शन रहेगा, और यदि क्रॉस सेक्शन वाइज, ट्रांसवर्स सेक्शन वाइज काटेंगे तो ऊपर से राउंड राउंड सर्कल दिखाई देंगी। इसी प्रकार से जो कोलेनकाइमा है ऊपर से जब हम काट के देखते हैं तो डिपोजिशन देखने को मिलेगी, वाल थिकनिंग होती है लेकिन इनकी वजह से, और जो नॉर्मल जो सेल है वो भी ऐसे नॉर्मल दिखाई देंगे इनके अंदर, लेकिन जो कॉर्नर पे थिकनिंग है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। दोनों ही टाइप की जो लाइव सेल्स होती हैं ये, लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा होता है उसके अंदर जो C1 और C2 है वो अलग अलग जो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, ल्यूमिन है काफ़ी कम देखने को मिलती है, नैरो ल्यूमिन, जो ये फाइबर्स हैं और ये स्क्लेराइट्स हैं। स्क्लेराइट्स और जो फाइबर हमने डिस्कस किए थे तो उनकी ही ये पिक है, जैसे पीछे हमने पढ़ा था जो फाइबर्स हैं वो थिक वाल्ड के होते हैं, लॉन्गिट्यूड पॉइंट एंड मिलेगा, तो ये फाइबर्स हैं और ये
स्क्लेराइड्स होते हैं, तो इनके जो सेक्शन है वो अलग अलग हम यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद है जाइलम, जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आता है। तो ये क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू, जो वाटर और मिनरल्स को प्लांट के रूट से लेके स्टेम या लीव्स तक जो लेके जाता है, कंडक्शन करता है, तो उस टिश्यू को हम जाइलम बोलते हैं। इसका काम मेनली पानी को ट्रांसपोर्ट करना और पानी में घुले हुए जो मिनरल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है। साथ में ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, जो तने को जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है उसको बनाए रखने में मदद करता है। टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी जाइलम, जो प्राइमरी जाइलम जो पहले बनता है, सेकेंडरी जाइलम जो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनता है। तो प्राइमरी जाइलम के दो टाइप होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी मेटाजाइलम। और प्राइमरी मेटाजाइलम में भी जो पहला भाग बनता है उसको प्रोटोजाइलम, प्रोटो मतलब पहले, पहले जो जाइलम बनता है, और मेटाजाइलम बाद में जो बना हुआ जो जाइलम है, एक ही जाइलम का जो पहले और बाद वाले भाग को प्रोटो और मेटाजाइलम बोला जाता है। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, कि जो इनके अरेंजमेंट है उसके बेस पे जो जाइलम है वो, उनके जो अरेंजमेंट अलग अलग पाए जाते हैं, एंडारक और एक्जारक। एंडारक के अंदर क्या रहेगा? प्रोटोजाइलम है वो सेंटर की तरफ मिलेगा। जब हम क्रॉस सेक्शन करके देखेंगे स्टेम का या लीव्स का या रूट्स का, तो उनमें जो बिल्कुल सेंटर की तरफ रहता है जो जाइलम का पार्ट, उसमें वो प्रोटोजाइलम मिलेगा। जबकि प्रोटोजाइलम इसमें पेरिफेरी की तरफ मिलता है, एक्जारक मतलब बाहर की तरफ, एंडारक मतलब अंदर की तरफ, प्रोटोजाइलम से रिलेटेड रहेगा। और यदि एक भाग यदि अंदर की तरफ है, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, तो मेटाजाइलम इसमें पेरिफेरी में रहेगा, जैसे कि स्टेम्स में देखने को मिलता है, स्टेम का जो क्रॉस सेक्शन उसमें देखेंगे। और जो रूट्स हैं उनके अंदर जो मेटाजाइलम है वो सेंटर की तरफ मिलता है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ मिलेगा, उसको एक्जारक कंडीशन बोला जाता है। उसके बाद है जाइलम के कंपोनेंट्स, किस किस चीज से मिलकर बना होता है। ट्रैकिड्स होती हैं, ट्रैकिड्स इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स विद थिक और एंड लिग्निफाइड वाल्स। तो लंबी सेल होती हैं ये, ट्यूब जैसी सेल्स होती हैं, अंदर से खाली होती हैं, और जो कि थिक मोटी होती हैं, और लिग्निन सब्सटेंस इनके अंदर डिपॉजिट होता है। जो एंड है इसके नुकीले एंड टैंपरिंग, टैंपरिंग एक एंड होते हैं जो थोड़े से नुकीले एंड बोल सकते हैं हम, जैसे जो नीफ है, नीफ का जो टैपरिंग एंड है वैसे वो इतना नुकीला नहीं होता। तो एक वहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो थीनिंग देखने को मिलती है, थोड़ी सी नैरोर पार्ट होता है, एंड डेड और मृत होती हैं सेल विदाउट प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म इनमें नहीं पाया जाता। विद वेसल्स फ्रॉम फॉर्म मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, तो इनके अंदर वेसल्स भी, वेसल्स के साथ मिलके जो ट्रैकिड्स हैं वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम करती हैं। उसके बाद है वेसल्स, वेसल्स भी लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिनके अंदर लिग्निफाइड वाल्स प्रेजेंट होती हैं, ए लार्ज सेंट्रल कैविटी, इनकी जो कैविटी है वो थोड़ी सी मोटी देखने को मिलेगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो इनके बीच में जो स्पेस है, ल्यूमिन है, डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इनके अंदर भी प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट होता है। इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन, तो जो ये सेल हैं वो एक सेल दूसरी सेल के साथ कॉमन वाल, उनके बीच में एक परत प्रेजेंट होती है, जिसके बीच में जो कि परफोरेटेड होती है, छिद्र होते हैं उसके अंदर। वेसल्स इज ए करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में ही वेसल पाई जाती है, जबकि जो दूसरे प्लांट के डिवीजन हमने पढ़े थे, जैसे जो टेरिडोफाइट है और एंजियोस्पर्म, इन्हीं के अंदर वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, उनके अंदर वेसल्स अब्सेंट होती हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में पाए जाती है केवल ये। उसके बाद जाइलम फाइबर्स, ये थिकंड वाल होती है, इनकी मोटी वाल होती है बहुत ज़्यादा, और ओब्लिट्रेटेड सेंट्रल ल्यूमिन, तो इनकी जो ल्यूमिन है वो कम देखने को मिलती है, मे बी सेपरेट और एसेप्टेट हो सकता है, सेल के बीच में वाल बनी हुई हो जिसकी वजह से अलग अलग सेल सेपरेट की गई हो सकता है, वो सेपरेट ना भी हो सकती हैं, एसेप्टेट कंडीशन देखने को मिल सकती है। उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा, तो ये लिविंग सेल होती हैं, थिन वाल्ड, पतली इनकी सेल वाल पाई जाएंगी, सेलोलॉजिक सेल वाल है। इसका काम होता है स्टोर फूड मटेरियल इन फॉर्म ऑफ स्टार्च फैट एंड टैनिंग, तो इन फॉर्म में ये खाने को स्टोर करने का काम करती है। रेडियल कंडक्शन टेक प्लेस बाय रे पैरेन्काइमेटस सेल, तो जो भी साइड के अंदर जितना भी वाटर या मिनरल्स वगैरह वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वो पैरेन्काइमेटस रे पैरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा किए जाते हैं। रे का मतलब जो एक किरण से निकलते हैं, जैसे सेंटर से रेज निकलती हैं, तो इस तरीके से जो सेंट्रल पोर्शन होता है, मेन एक्सिस होती है स्टेम, उससे जो ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं, उनके पास जो भी कंडक्शन होता है वो रे पैरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा किया जाता है। उसके बाद डायग्राम से हम अलग अलग पार्ट हम वो देख सकते हैं, जो जाइलम वेसल्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ट्रैकिड्स सेंटर में प्रेजेंट होती हैं, पतली वेसल्स होती हैं, पतली जो ट्यूब होती हैं, वेसल्स थोड़ी सी मोटी ट्यूब होंगी, और जो कि परफोरेटेड
वाल्स के द्वारा, एक सेल से ये एक सेल होगी, ये दूसरी सेल होगी, इनके बीच में जो सेप्टा है उनके अंदर काफी छिद्र देखने को मिलते हैं। उसके बाद जाइलम फाइबर्स होते हैं जो कि इनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा जो बाहर वाला पोर्शन होता है वो रे पैरेन्काइमेटा सेल होती हैं जो कि साइड में वाटर जितना भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। उसके बाद फिलोम, फिलोम क्या करता है, फूड मटेरियल है उसके ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, कहाँ से कहाँ, जैसे पत्तों में खाना बनता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो उसको प्लांट के दूसरे भाग में लेके जाने का काम करता है। जिम्नोस्पर्म हैव एल्बुमिनस सेल्स, एल्बुमिनस मतलब एंडोस्पर्मिक सेल्स पाई जाती है एंडोस्पर्म वहाँ पे, मतलब एक जो फूड मटेरियल पाया जाता है, और साथ में सीव सेल्स भी पाई जाती हैं, एक एक्स्ट्रा मटेरियल देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, ये हम समझ सकते हैं एल्बुमिनस का मतलब। और इस सीड में एल्बुमिनस सेक्स, एल्बुमिनस सीड एंडोस्पर्म से रिलेटेड रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक एल्बुमिन सब्सटेंस देखने को मिलता है, एल्बुमिनस सेल होती हैं, और सीव सेल्स भी देखने को मिलेंगी जिम्नोस्पर्म में, ये कंपोनेंट होता है फ्लोएम का, और लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर जो सीव ट्यूब हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, वो नहीं पाई जाती। सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स मिलके सीव एलिमेंट्स बनाती हैं जो कि एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, और साथ में कंपेनियन सेल हैं वो भी एंजियोस्पर्म की खास बात है, वो जिम्नोस्पर्म में एबसेंट होती हैं। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, बनने के बेस पे, जो जैसे हमने जाइलम देखा था, प्रोटोजाइलम, प्रोटो मेटाफिलोम, और यहाँ पे प्रोटोफिलोम मेटाफिलोम रहेगा, जो पहले बनता है प्राइमरी फिलोम का वो भाग जो पहले बनता है उसको प्रोटोफिलोम बोला जाता है, जिसके अंदर जो मेन खास बात है नैरो सीव ट्यूब्स, पतली जो ट्यूब्स हैं सीव ट्यूब्स वो पतली देखने को मिलेंगी। सीव का मतलब छालनी होती है, जैसे छिद्र युक्त जो ट्यूब होती हैं उनको, उनके लिए सीव वर्ड यहाँ पे देखने को मिला है। मेटाजाइलम, मेटाफिलोम जो बाद में बनता है, और इसके अंदर जो सीव ट्यूब्स हैं वो बिगर देखने को मिलती हैं, साइज उनका बड़ा देखने को मिलेगा। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ फिलोम, फिलोम में जैसे सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या चीज होती हैं, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली, लेंथ वाइज अरेंज होते हैं स्टेम या लीव्स या ब्रांचेज के, एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल, इनके साथ में कंपेनियन सेल भी प्रेजेंट होती हैं। एंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन सीव लाइक मैनर टू फॉर्म ए सीव प्लेट, तो जो इनकी एक सेल की जो दूसरी सेल के साथ जो कनेक्शन होता है वो बीच में सीव प्लेट होते हैं, और उसके अंदर काफी छिद्र देखने को मिलते हैं। पोसेस ए पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड ए लार्ज वैक्यूल, तो इनके पास पेरिफेरल साइटोप्लाज्म वो बाहर की तरफ देखने को मिलता है, और वैक्यूल बीच में सेंटर में प्रेजेंट होता है, खाली जगह प्रेजेंट होती है, बट लैक न्यूक्लियस, तो इनका जो न्यूक्लियस एबसेंट होता है, खास बात होती है न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे जो एनिमल्स हैं उनमें आरबीसी के अंदर, मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एकमात्र ऐसी सेल होती है जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। प्लांट में जो सीव ट्यूब की जो सेल होती है, सीव सेल्स, उनके पास नहीं होता, और जो इनका फंक्शन है इसलिए वो कंपेनियन सेल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जितना भी न्यूक्लियस का काम है वो कंपेनियन सेल, साथी कोशिकाएं जिसको बोलते हैं, वो करती हैं। और कंपेनियन सेल क्या है, वो सीव ट्यूब्स के साथ क्लोजली एसोसिएटेड मिलती हैं, उनके पास में मिलेगी हमेशा, बाइपिट फील्ड प्रेजेंट बिटवीन दैम कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल, और जो पिट हैं छोटे छोटे गड्ढे हैं सीव एलिमेंट्स के पास, वहां पे मिलेगी ये, और बिटवीन दियर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल, जो उनकी लॉन्गिट्यूडनल वाल होती है, दो दो सीव एलिमेंट्स की लॉन्गिट्यूडनल वाल है कॉमन, बीच में जो एक दीवार का काम करती है उनके पास पाई जाती है। हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब, तो जो प्रेशर है उसको बनाए रखने का काम करती है, उसी के बेस पे जो भी फूड मटेरियल है वो एक भाग से दूसरे भाग में भेजा जाता है। उसके बाद फिलोएम पैरेन्काइमा, ये इलोंगेटेड टैपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इसके अंदर वो पैरेन्काइमेटस सारी करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी, यहाँ पे लिविंग स्टेट मिलेगी देखने के लिए सेल की, और डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है, और छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं जो कि प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं, और ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करते हैं, एक सेल से दूसरी सेल में जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। स्टोर फूड, तो इनका काम खाना स्टोर करना भी होता है, कि इस फॉर्म में रेजिन, लेटेक्स और म्यूकिलेज होता है, जो अलग अलग जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं जो उनको मिलते हैं, रेजिन लेटेक्स वगैरह, तो वो भी स्टोर करने का काम करते हैं। और ये मोनोकोटिलेडन में जो फिलोएम पैरेन्काइमा है वो एब्सेंट होती हैं, जो गास होते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, तो उनके अंदर ये एब्सेंट होती है। फिलोएम फाइबर्स, बास्ट फाइबर भी इनको बोला जाता है, ये इलोंगेटेड लंबी अनब्रांच्ड
अनब्रांचड मतलब इनकी कोई टहनियाँ वगैरह देखने को नहीं मिलती। सेल एक सिंपल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं, पॉइंटेड नुकीले सिरे मिलेंगे, नीडल लाइक एपिक्स सुई जैसे किनारे देखने को मिलते हैं, थिक सेल वाल मोटी इनकी सेल वाल पाई जाएंगी, अब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम में अब्सेंट होते हैं लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में ही ये देखने को मिलते हैं, क्योंकि सेकेंडरी फ्लोएम का काम क्या होता है, वुडी फ्लोएम होता है ये, मतलब जो सेकेंडरी प्राइमरी फ्लोएम के बाद जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है तो प्राइमरी फ्लोएम साइड में हटता रहता है, तो ये बाद वाले स्ट्रक्चर में, बाद वाले फ्लोएम में देखने को मिलते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट का काम रहेगा इनका। मैच्योरिटी के अंदर ये प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म इनका खो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, लैक ऑफ प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलेगा और डेड हो जाती हैं। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट फ्लैक्स हेम्प आर यूज्ड कमर्शियली, तो जो फ्लोएम है उनके जो फाइबर्स हैं जैसे जूट है, जूट के अंदर है, फ्लैक्स के अंदर है, हेम्प के अंदर हम रस्सियाँ वगैरह बनाने में, मैट वगैरह बनाने में काफ़ी जगह पर इनको यूज करते हैं। उसके बाद फ्लोएम के कंपोनेंट हम देख सकते हैं, जैसे फाइबर है, फाइबर के टैपरिंग एंड देखने को मिलेंगे और मोटी जोनी की सेल वाल देखने को मिलती है, सीव एरिया जो छिद्र से युक्त देखने का एरिया देखने को मिल रहा है आपको वो क्या है, सीव एरिया है, ये सीव प्लेट है जो एक सेल को दूसरी सेल के बीच में कनेक्शन होता है वो सीव प्लेट के जरिए रहेगा और वो भी परफोरेटेड होती हैं, और साथ में जो इनका काम है सीव ट्यूब एलिमेंट का वो कंपेनियन सेल देखती है, न्यूक्लियस इन्हीं के पास होता है, तो सीव ट्यूब और सीव सेल से मिलकर सीव एलिमेंट्स बनते हैं। और उसके बाद हम कंपेनियन सेल और थोड़ा सा जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है डायग्रामेटिक रूप में देख सकते हैं, सीव प्लेट है, ये सीव ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल हैं, और सीव प्लेट्स के क्रॉस सेक्शन ट्रांसवर्स सेक्शन है जिसमें सीव ट्यूब्स बीचों बीच प्रेजेंट हैं जो कि छिद्र से दिखाई दे रहे हैं, और कंपेनियन सेल इनके पास में जो लॉन्गिट्यूडनल स्पेस होता है इनका तो वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, थोड़े से स्पेस में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद और थोड़ा सा हम रियलिस्टिक पिक है वो देख सकते हैं जाइलम एंड फ्लोएम की, वैसे होती हैं पाइप जैसे स्ट्रक्चर हैं लेकिन वन वे फ्लो होता है, यहाँ पे रूट से जो पानी है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा और ऊपर की तरफ रहेगा प्लांट पार्ट में, रियल पार्ट की तरफ, और यहाँ पे वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, नो एंड वाल, यहाँ पे कोई एंड वाल देखने को नहीं मिलेगी, खाली होते हैं ये अंदर से, सिफ्टेड विद लिग्निन, स्टिफ्ड विद लिग्निन, जो बाहर की जो परत होती है वो मजबूत होती है लिग्निन सब्सटेंस की वजह से, तो जैसे अर्थ के अंदर वाटर और मिनरल पाए जाते हैं जबकि फोटोसिंथेटिक जो प्रोडक्ट हैं उनको ऊपर से और नीचे से किसी भी तरीके से जो भी ग्लूकोज वगैरह जो बनता है फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट उनको हम बाई डायरेक्शनल फ्लो देखने को मिलता है, जाइलम में यूनि डायरेक्शन रहता है लेकिन इसमें टू वे फ्लो मल्टी डायरेक्शनल भी देखने को मिल सकता है, जैसे एरो का निशान इसमें अपवर्ड है, इसमें दोनों साइड में है, तो यहाँ पर परफोरेटेड वाल देखने को मिलेगी। वाटर एंड फूड है वो साथ साथ में ट्रांसपोर्ट होते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट का काम करते हैं, मास फ्लो हाइपोथेसिस है जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड वाल विद परफोरेशन, तो जो एंड वाल पाई जाती है इनके बीच में और उनके बीच में छिद्र पाए जाते हैं, इनमें कोई एंड वाल देखने को नहीं मिलेगी, खाली होते हैं अंदर से। उसके बाद है टिश्यू सिस्टम, ये इस पार्ट का लास्ट टॉपिक रहेगा, तो टिश्यू सिस्टम, टिश्यू वेरी इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिपेंडिंग ऑन दियर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी, कि प्लांट की बॉडी में, प्लांट के जो शरीर में टिश्यू कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, उनके क्या क्या काम है, उसके बेस पे इनके जो टाइप हैं वो अलग अलग देखने को मिलेंगे, उनकी स्ट्रक्चर है वो अलग अलग मिलती है, काम भी उनके अलग अलग देखने को मिलेंगे। थ्री टाइप के टिश्यू सिस्टम देखने को मिलते हैं, सबसे पहले ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम होता है जो कि मेन जो टिश्यू है जो पैकिंग वगैरह काम करेगा उसके बारे में डिटेल आगे देखेंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो कि एपिडर्मिस जो स्किन वगैरह का जो पोर्शन है, बाहरी जो परत बनाता है प्लांट की प्रोटेक्शन करता है इनर सेल की, तो वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहलाता है। वैस्कुलर जो हमने जाइलम और फ्लोएम पढ़े हैं कंडक्टिंग टिश्यू, वो वैस्कुलर टिश्यू का काम करते हैं, तो ये मेनली तीन ही टाइप के टिश्यू सिस्टम है वो देखने को मिलते हैं प्लांट में। सबसे पहले ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, तो ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल, तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को छोड़ के जितने भी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं एक प्लांट के अंदर वो सारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, जो बेसिक टिश्यू सिस्टम है उसको बनाते हैं। और ये किसके बने होते हैं, पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं, ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। पैरेन्काइमा सेल इन कोर्टेक्स पेरिसाइकल पिथ मेडुलरी रेज इन प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट, तो जो कोर्टेक्स रीजन है, कोर्टेक्स और मेडुला जो पार्ट होते हैं, कोर्टेक्स बाहरी रीजन को बोला जाता है, मेडुला अंदर वाले पार्ट को बोला जाता है, सेंट्रल पार्ट को, पिथ बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होती हैं। पेरिसाइकल ये हम जो ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे रूट स्टेम्स के, तो वहाँ पे ये अलग अलग पार्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। तो पैरेन्काइमेटस सेल हैं वो यहाँ पे पैकिंग का काम करती हैं। मीजोफिल जो कि लीव्स के अंदर पाई जाती हैं, ग्राउंड टिश्यू
कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड प्रोटोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स इन लीव्स। तो लीव्स के अंदर पाई जाती हैं मीजोफिल्स, इनके अंदर जो ये वाल है थिन मिलेगी, और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और उसी के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। तो ये हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उसके बारे में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे तीनों टाइप के टिश्यू सिस्टम है वो एक सिंगल डायग्राम में दिखा रखे हैं। जैसे ही हम प्लांट को बिल्कुल ट्रांसवर्सली काटेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल काटें तो लेंथ वाइज काटा जाता है, लेकिन ट्रांसवर्सली काटा जाता है तो इसके अंदर जो बाहरी पोर्शन होता है स्किन का काम करेगा, जो उसको डर्मल टिश्यू बोलते हैं, बाकी जो बीच में पैकिंग का काम रहेगा वो ग्राउंड टिश्यू, और जो जाइलम और फिलोम होते हैं वो वेस्कुलर टिश्यू का काम करते हैं। उसके बाद ग्राउंड टिश्यू हम यहाँ पे और थोड़ा सा रियलिस्टिक पिक देख सकते हैं, जिसके अंदर बाहरी जो पोर्शन होता है जहाँ पे हेयर वगैरह रूट हेयर वगैरह प्रेजेंट होते हैं, स्टेम्स के ऊपर भी कुछ जो पोर्शन है वो प्रेजेंट होता है, तो वो एपिडर्मल टिश्यू के अंदर आ जाता है, डर्मल टिश्यू सिस्टम ग्राउंड वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद बीच वाला जो भी पोर्शन आ जाता है उसको हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बोलते हैं, और जो सेंट्रल मोस्ट पोर्शन है जिसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं तो उसको वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं। उसके बाद एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मिस क्या होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है प्राइमरी प्लांट बॉडी की। प्राइमरी प्लांट बॉडी क्यों, क्योंकि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो बात बार बारक आ जाती है, डेड सेल आ जाती है, लेकिन जो नॉर्मल यंग प्लांट बॉडी होती है तो उसके अंदर बाहर की जो परत है वो एपिडर्मिस के द्वारा बनाई गई होती है, मेड ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल। तो किसके बनी होती हैं, लंबी सेल प्रेजेंट होती हैं इसमें और कॉम्पैक्टली पास पास अरेंज होती हैं क्योंकि प्रोटेक्शन का काम होता है, और कंटिन्यूस और सिंगल लेयर बनाती हैं, ये लगातार लेयर बनाती है, बीच में कोई खाली जगह नहीं मिलती। कॉम्प्राइजिज एपिडर्मल सेल स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडिजिस। तो इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, एपिडर्मल सेल पाई जाती हैं, स्टोमेटा पत्तों में देखने को मिलेंगे, एपिडर्मल अपेंडिज जैसे ट्राइकोम्स हैं, ये मल्टी सेलुलर ब्रांचड और अनब्रांचड मे बी सिक्रीटरी और सॉफ्ट और स्टिफ, तो अलग अलग फॉर्म इसकी देखने को मिल जाती हैं ट्राइकोम्स, तो ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जो कि स्टेम के ऊपर, ब्रांचड और अनब्रांचड भी हो सकती हैं, और सिक्रीटरी इनका काम कुछ सिक्रीट करने का भी हो सकता है, ये नरम भी हो सकती हैं और मजबूत भी टफ भी देखने को मिल सकती हैं। हेयर यूनिसेलुलर होते हैं ये, इलोंगेशंस एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, तो ये ज़्यादातर रूट के अंदर देखने को मिलते हैं, तो हेयर और ट्राइकोम में थोड़ा सा फर्क रहता है कि जो ये मल्टी सेलुलरिटी है, जैसे इसमें यूनिसेलुलरिटी है हेयर में और इलोंगेशन है इसमें ब्रांचड है, तो ये अनब्रांचड देखने को मिलते हैं हेयर ज़्यादातर, और वाटर एब्जॉर्प्शन का काम रहता है। ट्राइकोम वैसे ही एक जनरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। क्यूटिकल एक वैक्सी थिक लेयर आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाहर एक मोटी मोम जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसका काम क्या रहता है, अब रूट में एब्सेंट होती है क्योंकि इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन का रहेगा, नॉर्मली जो भी सूट सिस्टम है उसके अंदर इसका काम वाटर लॉस से बचाना होता है, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे जो एवेपोरेशन के टाइम ट्रांसपरेशन के टाइम पे वाटर लॉस होता है उससे बचाती हैं। तो उसके बाद हम ट्राइकोम्स हैं वो देख सकते हैं, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट होती हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू है थोड़ा सा, जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और जो हेयर्स होते हैं वो रूट के अंदर पाए जाते हैं, जो यूनिसेलुलर होते हैं ये ब्रांचड भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर ये यूनिसेलुलर होते हैं, तो अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये किसकी मॉडिफिकेशन है, एपिडर्मल टिश्यू की ही मॉडिफिकेशन है। उसके बाद स्टोमेटा ये लीव्स में पाए जाते हैं, ये भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का ही एक मॉडिफिकेशन होते हैं। स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लीव्स एपिडर्मिस, जो लीव्स पत्तों की जो सतह होती है उनके अंदर पाए जाते हैं, रेटिकुलेट रेगुलेट ट्रांसपिरेशन, जो वाष्पोत्सर्जन है, वाटर लॉस होता है, पानी उड़ता है पत्तों में उसको कंट्रोल रेगुलेट करते हैं, गैसियस एक्सचेंज भी में भी मदद करते हैं। स्टोमेटल अपरेटस, जो स्टोमेटा है वो किस किस चीज से मिलकर बना होता है, एक तो उसके अंदर अपर्चर होती है, छिद्र होता है, और वो छिद्र किसके द्वारा कवर किया जाता है, गार्ड सेल्स के द्वारा, जो उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं, और गार्ड सेल के बाहर सबसाइडरी सेल है जो उसकी मदद करने के लिए सहायक कोशिकाएं जिसको बोलते हैं। गार्ड सेल्स क्या होती हैं, बीन शेप्ड सोयाबीन होते हैं, किडनी शेप्ड सेल्स होती हैं किसके अंदर, डाइकोटिलीडन प्लांट में, जबकि डम्बल शेप्ड होती हैं ये ग्रासीज के अंदर, मोनोकोटिलीडन के अंदर, और ये क्या करती हैं, स्टोमेटल पोर को एनक्लोज करती हैं, कवर करती हैं स्टोमेटल अपर्चर को। आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, जो बाहर की तरफ वॉल होती है स्टोमेटल पोर से दूसरी साइड में वो थिन होती है, और जबकि इनर वाल होती हैं जो स्टोमेटल पोर की तरफ होती हैं वो थोड़ी सी थीक होती हैं, डायग्राम में हम देखेंगे। और पोसेसिज क्लोरोप्लास्ट, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है और
किसको ये स्टोमेटल जो ओपनिंग और क्लोजिंग उसको रेगुलेट करती हैं। सबसाइटरी सेल स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल होती हैं जो कि गार्ड सेल के पड़ोस में पाई जाती हैं, विसिनिटिया मतलब आस पड़ोस के एरिया के अंदर पाई जाती हैं। तो ये रियल जो माइक्रोस्कोपिक पीक है वो देख सकते हैं, जो किडनी शेप्ड सेल हैं वो क्या हैं, गार्ड सेल, और उनके पास में जितनी भी जो पास पास की सेल हैं वो सबसाइटरी सेल हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो नॉर्मल प्लांट सेल है उससे थोड़ा सा अलग देखने को मिलेंगी। और जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा हम देख सकते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली क्या है कि जो अपर्चर है, स्टोमेटल अपर्चर हो गया, और उसके अंदर जो गार्ड सेल है उस अपर्चर वाली साइड तरफ थोड़ी मोटी होती हैं, बाहर की तरफ जो है वो थिन होती हैं। तो जैसे इनके अंदर वाटर भरता है तो ये स्वेल हो जाती हैं, स्वेल होंगे तो जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाता है, जबकि जैसे ही वाटर इनमें से ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है तो ये श्रिंक हो जाती है, श्रिंक होते ही जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाता है। तो वाटर एंटर करेगा तो ओपनिंग, और वाटर यदि इनमें से बाहर निकल जाता है तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा देखने को मिलता है। उसके बाद है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जो कि हम जनरल आइडिया पढ़ चुके हैं, ये फ्लोएम और जाइलम से मिलकर बनता है, और कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम इन डाइकोटिलेडन प्लांट। डाइकोटिलेडन प्लांट में जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, जो मोटाई वगैरह है पौधे की उसको प्राप्त करने में मदद करता है, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है। ये दो टाइप के वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल है जिनके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होता है डाइकोटिलेडन प्लांट में, तो जो क्या करते हैं सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम टिश्यू बनाने की कैपेसिटी इनके पास होती है। तो यहाँ पे ग्रोथ है ओपन होती है, वो ग्रोथ आगे के आगे हो सकती है, लेकिन क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल में जो ग्रोथ है वो सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट होती है, जो कि मोनोकोटिलेडन की खास बात होती है। इसी की वजह से उनके स्टेम और नरम होते हैं, इनमें ग्रोथ होती रहती है, तो मोटाई ज्यादा से ज्यादा मिलेगी तो ये डाइकोटिलेडन प्लांट है वो मजबूत मिलेंगे। तो यहाँ पे कैम्बियम और क्लोज्ड के अंदर अब्सेंट होते हैं, तो ग्रोथ यहाँ पे लिमिटेड देखने को मिलेगी। और अरेंजमेंट के बेस पे वेस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट है वो रेडियल अरेंजमेंट भी देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है वो अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट रेडियस पे। जैसे सेंटर है, सेंटर की अलग अलग जो रेडियस है तो उसके ऊपर अलग अलग जगह पे देखने को मिलते हैं। जाइलम एक अलग रेडियस पे पाएगा, फ्लोएम एक अलग। डायग्राम में देखें कॉन्जॉइंट में क्या है, एक ही रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं, और जो फ्लोएम है वो जाइलम से बाहर की तरफ मिलेगा, जाइलम सेंटर की तरफ मिलता है, सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस इन स्टेम और लीव्स में देखने को मिलता है। ये टाइप का अरेंजमेंट रूट्स में पाया जाता है रेडियल, कॉन्जॉइंट जो स्टेम और सेलो लीव्स में देखने को मिलता है। तो जो भी सेंट्रल पीक होती है, जो हमने पहले भी देखा है कि वेस्कुलर बंडल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, तो वो जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बनते हैं। जो आप बड़े बड़े जो सर्कल देख रहे हैं जाइलम है, और जो बीच में जो इनके बीच में जो स्पेस होता है तो वो फ्लोएम का रहेगा। बाकी यहाँ पे भी जो फ्लोएम है वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है, कई बार वो डिपेंड करता है कि रेडियल अरेंजमेंट है या फिर कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो जाइलम और फ्लोएम है वो अलग अलग रेडियस पे है। ये एक जैसे सेंटर है, सेंटर की अलग रेडियस यहाँ पे जा रही है, एक रेडियस यहाँ पे है, तो ये अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट हैं, तो जिसकी वजह से रेडियल अरेंजमेंट देखने को मिलेगा जो कि रूट्स में पाया जाता है। जबकि एक ही रेडियस पे, ये एक सिंगल पीक है, जैसे ये वाली पीक का थोड़ा सा इसको यदि एक्सप्लेन करें तो हम अलग डायग्राम के अंदर, तो फ्लोएम इसमें बाहर की तरफ रहेगा, जाइलम सेंटर की तरफ रहेगा, लेकिन रेडियस इनकी सेम रहेगी, तो उसको हम कॉन्जॉइंट टाइप का अरेंजमेंट बोलते हैं। और ये तने में और पत्तों में देखने को मिलता है। एनाटोमी ऑफ डाइकोटिलेडन रूट है वो देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले एपिबिलेमा, एपिबिलेमा ये आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि यूनिसेलुलर रूट हेयर लिए हुए मिलेगी। जो रूट हेयर इसके ऊपर जो वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं तो वो एपिबिलेमा के ऊपर ही पाए जाते हैं, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। कोर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा, और उसके बाद एपिब्लेमा के नीचे जो लेयर होती है वो कोर्टेक्स रीजन होता है, जो कि पेरिफेरल रीजन बोला जाता है, जिसके अंदर थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा जो सेलुलोज है वो कम मात्रा में देखने को मिलता है, और पैरेन्काइमेटल सेल प्रेजेंट होती हैं जिनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस है वो भी प्रेजेंट होता है, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में पैरेन्काइमा के करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। उसके बाद एंडोडर्मिस है, इनर मोस्ट लेयर होती है कोर्टेक्स की, सबसे जो सेंटर की तरफ वाली लेयर है एंडोडर्मिस कहलाती है वो। और कॉम्प्राइजिज ए सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, तो यहाँ पे जो सेल है वो बैरल शेप्ड और सिलेंड्रिकल शेप्ड जैसी स्ट्रक्चर होती है, जो कि इंटरसेलुलर स्पेस वहाँ पे बिल्कुल अब्सेंट होते हैं। उसके बाद कैस्प्रिन स्ट्रिप्स, ये वाटर इम्प्रेमिएबल वैक्सी मटेरियल सबवीरिन से बनी होती है, कैस्प्रिन स्ट्रिप्स जो कि
अपने अंदर से वाटर को बिल्कुल भी पास नहीं होने देती, और वैक्सी सब्सटेंस जैसे कि जो हाइड्रोफोबी को तह नेचर में पानी से हेट करता है, तो एक सुबरीन सब्सटेंस है उसकी बनी होती है। पेरिसाइकिल, फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल। तो जो पेरिसाइकिल है वो थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल से बनी हुई देखने को मिलेगी। जो पैरेन्काइमेटस सेल है यहाँ पे थिक वॉल्ड मिलेंगे और कुछ लेयर मिलेंगी उसकी, दो तीन चार लेयर देखने को मिल सकती है। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वेस्कुलर कैम्बियम टेक प्लेस फ्रॉम हेयर। तो जो लेटरल रूट्स हैं, अलग अलग सेकेंडरी रूट्स हैं, इंटरसरी रूट्स हैं, वो इसी जगह से राइज होती हैं, और जो वेस्कुलर कैम्बियम है उसकी जो ग्रोथ है वो भी इसी जगह से होती है, पेरिसाइकल रीजन से ही। उसके बाद पीथ, पीथ स्मॉल होती है डाइकोटिलेडन रूट के अंदर, जो एक सेंट्रल पोर्शन होता है बिल्कुल, और इनकोन स्पीसीज का मतलब अस्पष्ट है, वो साफ साफ दिखाई नहीं देगी। कंजक्टिव टिश्यू, जो पैरेन्काइमेटस सेल लाइंग बिटवीन द जाइलम एंड द फिलोएम, जो कंडक्टिव टिश्यू है उनको देखते हैं हम, जाइलम और फिलोएम वो कैसे रहते हैं, उसमें पैरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट होती हैं जाइलम और फिलोएम के बीच में। 2 to 4 जाइलम एंड फिलोएम पैचिज, तो जो जाइलम और फिलोएम की जो संख्या है वो चार चार की मात्रा में देखने को मिलेगी। पैचिज का मतलब है उनके जो हिस्से हैं वो चार चार होते हैं, चार चार पोर्शन में वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद वेयर कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये कंजक्टिव टिश्यू ही वो पोर्शन होता है जहाँ पे कैम्बियम रिंग है वो अराइज होती है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ है वो करवाएगी। सेकेंडरी फाइलम है, जाइलम है, फ्लोएम है, वो यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यू से ही बनते हैं, कैम्बियम रिंग से ही बनते हैं। स्टील, ऑल टिश्यू ऑन इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकिल वेस्कुलर। तो जो जितने भी टिश्यू होते हैं इनर साइड में, एंडोडर्मिस के इनर साइड में, तो जैसे पेरिसाइकिल है और वेस्कुलर टिश्यू हैं, वो सारे मिलके एक जो अरेंजमेंट बनाते हैं उसको स्टील बोलते हैं। तो यहाँ पे हम डायग्राम समझ सकते हैं, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो एपिब्लेमा होता है, जिसके ऊपर रूट हेयर प्रेजेंट है, और उसके नीचे कोर्टेक्स रीजन प्रेजेंट होता है। काफ़ी सारी लेयरिंग में यहाँ पे पैरेन्काइमेटस सेल देखने को मिलेगी, जो कि थिन वॉल्ड होती है, और इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद एंडोडर्मिस रहती है, जो ये वाली लेयरिंग होती है इनर मोस्ट लेयरिंग, उसको एंडोडर्मिस बोलते हैं। उसके बाद इसके नीचे हैं जो पेरिसाइकिल लेयर प्रेजेंट होती हैं, ये भी कुछ लेयर्स होती है पैरेन्काइमेटस सेल्स की, और सेंटर में जो सेंट्रल मोस्ट पोर्शन होता है वो पीथ होता है, जो कि इनकॉन्स्पिस होता है, स्पष्ट दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पे जो ये पोर्शन है, ये अपना कंजक्टिव टिश्यू है, जो जाइलम है, फ्लोएम है, और इनके बीच में अलग अलग टाइप के जो पैचेज हैं वो देखने को मिलते हैं, संख्या इनकी अलग अलग देखने को मिल सकती है। और जो भी ये एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी अरेंजमेंट होता है अलग अलग टिश्यू का, तो उनको हम स्टील बोलते हैं। स्टील एक अरेंजमेंट होता है, पार्टिकुलर अरेंजमेंट। एनाटोमी ऑफ मोनोकोटिलीडन रूट, तो काफ़ी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, जो ट्रांसवर्स सेक्शन होता है डाइकोट रूट के साथ में, किस रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे भी एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, कोर्टेक्स रीजन होता है जिसके अंदर पैरेन्काइमेटस सेल पाई जाती हैं, एंडोडर्मिस रीजन भी होता है, पेरिसाइकिल रीजन होता है, वेस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट होते हैं, पिथ भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ डिसिमिलरिटीज हैं वो क्या रहती हैं। जैसे डाइकोट में हमने देखा है जाइलम बंडल्स है वो कम संख्या में देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू मोनोकोट रूट। तो मोनोकोट रूट में मोर देन 6 जाइलम बंडल, पोलियार कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है, काफ़ी सारे जाइलम बंडल है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो पिथ है वो लार्ज मिलेगी, लार्ज साइज की होती है, और वेल डेवलप्ड, अच्छे ढंग से विकसित हुई मिलेगी, कॉन्स्पिशियस मिलेगी। वहाँ पे हमने इनकॉन्स्पिशियस शब्द जो एसपस्ट है वो देखा था, लेकिन यहाँ पे अच्छी मिलेगी, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलती है। तो हम डायग्राम से समझ सकते हैं लगभग स्ट्रक्चर वही रहती हैं, लेकिन जो जाइलम मंडल है वो ज़्यादा संख्या मिलेंगे। पिथ थोड़ी सी लार्ज एरिया के अंदर फैली हुई मिलती हैं, लार्ज है पिथ और वेल डेवलप्ड है, और यहाँ पे जो कैम्बियम है वो अब्सेंट रहता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ है वो भी देखने को नहीं मिलती है। बाकी जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो हम देख सकते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, तो इसमें हम मैच कर सकते हैं, जब भी स्लाइड देखेंगे तो वहाँ से इनकी क्लियरिटी ले सकते हैं कि इस टाइप से जो TS है, ट्रांसवर्स सेक्शन है मोनोकोटिलीडन रूट का, वो दिखाई देता है। उसके बाद एनाटोमी ऑफ डाइकोटिलीडन स्टेम, तो स्टेम का यदि हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं
तो उसके बाद उसको जो माइक्रोस्कोप में लगा के देखेंगे तो क्या क्या स्ट्रक्चर है वो हमको दिखाई देंगी। सबसे पहले एपिडर्मिस है, कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल मे बियर ट्राइकोम्स एंड ए फ्यू स्टोमेटा। तो ये थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, जो क्यूटिकल कवरिंग प्रेजेंट होती हैं जो कि वाटर लॉस से बचाती हैं, तो उस चीज़ की लेयर भी मिल सकती है। कुछ ट्राइकोम्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट हो सकती हैं, कुछ स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम लेंटिकल बोलते हैं वैसे, जो बारक में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टोमेटा भी देखने को मिल सकते हैं। कोर्टेक्स है जो सेल्स अरेंजेड इन मल्टीपल लेयर, काफी सारे लेयरिंग में देखने को मिलेगा, किस किस के बीच में, एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में, और थ्री सब जोन देखने को मिलते हैं कोर्टेक्स के। आउटर हाइपोडर्मिस ए फ्यू लेयर ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल बिलो द एपिडर्मिस प्रोवाइडेड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। आउटर हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है एक, जो कि कोलेनकाइमेटस सेल से बनी होती है, जो कि मैकेनिकल सपोर्ट का काम करते हैं, जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखने में मदद करते हैं, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है। उसके बाद कोर्टिकल लेयर है, कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल, तो गोल्ड सेल जो पेरेनकाइमेटस सेल है उसकी बनी होती हैं हाइपोडर्मिस के नीचे, और यहाँ पे जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो बिल्कुल स्पष्ट कॉन्स्पिशियस, वो वहाँ पे स्पष्ट देखने को मिल सकता है, जो खाली जगह है सेल्स के बीच में। एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर रिच इन स्टार्च ग्रेन, सो ऑल्सो रेफर्ड टू एज द स्टार्च शीथ। तो एंडोडर्मिस है वो इनर मोस्ट लेयर होती है कोर्टेक्स की, और इसके अंदर स्टार्च ग्रेन्स भी देखने को मिलते हैं, जो फूड रिजर्व होता है, जिसकी वजह से इसको स्टार्च शीथ, स्टार्च की कवरिंग भी बोला जाता है। उसके बाद है पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बिल्कुल इनर वाली साइड में प्रेजेंट होता है, एंड अबोव फिलोएम इन फोर ऑफ सेमी लूनार पैचेज ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा। तो पहले पेरिसाइकिल है जो फिलोएम के ऊपर जैसे अर्ध चंद्रमा होता है, इस फॉर्म में, सेमी लूनार फॉर्म में, उसके धब्बों के रूप में देखने को मिल सकती है, कुछ कुछ जगह पे देखने को मिलेगी, और वो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की बनी होती है जो कि डेड होते हैं। मेडुलरी रेज ए फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स बिटवीन द वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल जो जाइलम और फिलोएम होते हैं उनके बीच में रेडियली अलग अलग रेडियस पे पेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई कुछ लेयर प्रेजेंट होती हैं, उन्हें को मेडुलरी रेज बोला जाता है। वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर जो बंडल है वो रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं, छल्ले के रूप में अरेंज मिलेंगे, और ये डाइकोट स्टेम का एक करेक्टरिस्टिक्स, मेन करेक्टरिस्टिक्स होता है, रूट को देखते ही हम पहचान सकते हैं TSI, ये किसका, डाइकोट का है, मोनोकोट का है। ईच वेस्कुलर बंडल इज कॉन जॉइंट, कॉन जॉइंट टाइप का वेस्कुलर बंडल मिलेगा, रेडियस अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं, सेम सेम रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं। इनर वाली साइड में जाइलम होता है और बाहर वाली साइड में फिलोएम, ओपन टाइप का होता है क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है उनके बीच में, और एंडार्क जाइलम, जो प्रोटोजाइलम है वो इनर वाली साइड में मिलेगा, और जो मेटाजाइलम है वो आउटर साइड में मिलता है, जो कि फर्स्ट पार्ट में भी हमने देखा था, एंडार्क एक्जार्क कंडीशन। पीथ सेंट्रल पोर्शन होता है ये, विद लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड, यहाँ पे गोल सेल मिलती हैं, पेरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनके बीच में काफ़ी इंटरसेलुलर स्पेस है वो देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम डायग्राम से समझते हैं जो रियल पिक है, माइक्रोस्कोपिक डायग्राम, तो वो क्या है, इसके अंदर जो वैस्कुलर बंडल है वो रिंग की फॉर्म में देखने को मिलेंगे, पिथ है वो काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैली हुई है, और ये राउंडेड सेल यहाँ पे देखने को मिलेगी, और उसके अलावा जो एपिडर्मिस है, कोर्टेक्स है, हाइपोडर्मिस रीजन है, वो एक बिल्कुल नैरो रेंज में देखने को मिलते हैं, अलग अलग लेयरिंग जरूर होती हैं, सेल्स अलग अलग रहती हैं, लेकिन जो मेन करेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो इसका रिंग की फॉर्म में पाया जाना होता है, जो कैम्बियल रिंग बोलते हैं, जिसको वेस्कुलर बंडल एक रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है एनाटोमी ऑफ मोनोकोटलिडन स्टेम, मोनोकोट के अंदर जो स्टेम है उनके अंदर क्या क्या सिमिलरिटी रहेगी, यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेनकाइमेटस देखने को मिलेगी, ए लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, यहाँ पे एक रिंग फॉर्म में देखने को नहीं मिलेंगे, एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं मिलेगा, वो फैले हुए मिलेंगे, जो कि अलग अलग जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं, वेस्कुलर बंडल जाइलम और फिलोएम अलग अलग पैचेज में देखने को मिलेंगे, प्रत्येक जो बंडल है वेस्कुलर बंडल है वो स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ के द्वारा कवर होता है, एक कवरिंग होती है जो उनको
एक पार्टिकुलर जो एरिया है वो प्रोवाइड करती हैं। स्क्लेरेनकाइमा सेल की बनी होती हैं जो कि डेड सेल होती हैं। ए लार्ज कॉन्स्पिशियस पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू, तो यहाँ पे ये जो खास बात देखने को मिलेगी कि पेरेनकाइमेटस टिश्यू ज़्यादा देखने को मिलता है जो पैकिंग का काम करता है। ग्राउंड टिश्यू हमने पढ़ा था पैकिंग का काम करें, खाली जगह को फिल करने का काम करता है। वेस्कुलर बंडल यहाँ पे भी कॉन्जॉइन टाइप के हैं लेकिन क्लोज्ड हैं, यहाँ पे कैम्बियम अब्सेंट है जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलेगी। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल स्मॉलर होते हैं एंड सेंट्रली लोकेटेड देन सेंट्रली लोकेटेड वन। तो पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल वो छोटे देखने को मिलेंगे बाहर की तरफ जो प्रेजेंट होते हैं, जबकि सेंटर में जो वेस्कुलर बंडल हैं वो बड़े साइज के देखने को मिलेंगे क्योंकि उनकी ग्रोथ पहले होती है, बनते पहले हैं। फिलोएम पैरेन्काइमा इज अब्सेंट, तो ये खास बात भी है यहाँ पे कि जो हमने फिलोएम के अलग अलग कंपोनेंट पढ़े थे, फिलोएम पैरेन्काइमा वो मोनोकोट स्टेम के अंदर अब्सेंट होती हैं। वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट होती है विद इन द वेस्कुलर बंडल, कुछ खाली जगह प्रेजेंट होती है जिनके अंदर पानी भरा होता है वो वेस्कुलर बंडल में देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम पिक से समझ सकते हैं जैसे वहाँ पे एक रिंग टाइप बनी हुई थी वेस्कुलर बंडल की, यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल है वो स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, अलग अलग जगह पे पड़े हुए हैं। और जो पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल हैं वो छोटे साइज में मिलेंगे और जबकि सेंटर में प्रेजेंट है वो आपके लार्जर साइज में मिलेंगे। तो पैचेज में देखने को मिलेंगे जो कि एक स्पेशल खास बात है, जबकि कैम्बियल रिंग हमने डाइकोट स्टेम के अंदर देखने को मिली थी। तो ये रियल पीक हैं जो माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। उसके बाद है एनाटोमी ऑफ डोर्सो वेंट्रल या फिर डाइकोटिलेडन लीफ। तो डोर्सल वेंट्रल लीफ डाइकोटिलेडन लीफ को बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर एक डोर्सल सरफेस होती है, एक वेंट्रल सरफेस। यदि हम किसी पत्ते को देखेंगे तो ऊपर जो उसकी स्मूथ सरफेस होती है जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है वो उसकी डोर्सल साइड होती है, और वेंट्रल साइड नीचे की तरफ रफ साइड होती है जो वो रहती है वेंट्रल साइड। तो ये डोर्सो वेंट्रल जो टाइप का एक लीफ है वो डाइकोटिलेडन के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे जो एपिडर्मिस है वो कवर्स बोथ अपर सरफेस जिसको एडेक्जियल सरफेस बोलते हैं, अपर वाली सरफेस को जो कि डोर्सल सरफेस होती है, जबकि जो लोअर सरफेस है उसको भी कवर करती है एपिडर्मिस जिसको एबेक्जियल सरफेस बोलते हैं विद कॉन्स्पिशियस क्यूटिकल। तो यहाँ पे क्यूटिकल लेयर है वो भी प्रेजेंट होती है, और एपिडर्मिस जो आउटर कवरिंग है उसके ऊपर रहती है क्यूटिकल लेयर। एबेक्जियल एपिडर्मिस बियर्स मोर स्टोमेटा, जो नीचे वाली वेंट्रल साइड होती है वो स्टोमेटा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लिए मिलेगी जिसकी से एडेक्जियल एपिडर्मिस से इवन लैक स्टोमेटा। और कई बार तो जो एडेक्जियल सरफेस होती है उसके अंदर स्टोमेटा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलते क्योंकि जो स्मूथ सरफेस है वो इसलिए बनाई जाती है, ऊपर वाली सरफेस का काम लाइट को एब्जॉर्ब करना रहता है पत्ते के, जहाँ ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करे फोटोसिंथेसिस के लिए, जबकि जो नीचे वाली सरफेस है वहीं पर ज़्यादा स्टोमेटा देखने को मिलते हैं और उनका काम क्या रहता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज करने का। उसके बाद मीजोफिल टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस, जो ऊपर वाली एपिडर्मिस है पत्ता बिल्कुल थिन रहता है तो ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लेक्सिटी देखने को नहीं मिलेगी। ऊपर और नीचे वाली एपिडर्मिस है उसके बीच में कुछ स्पेशल टाइप की सेल होती हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट लिए होती हैं और जिनका काम फोटोसिंथेसिस करना होता है वो प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा, तो ये दो टाइप की पैरेन्काइमा से मिलके बनता है, पैलिसाइड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा। पैलिसाइड क्या होती हैं, ये एडेक्जियली मतलब डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती हैं। प्लेस्ड पैलिसाइड पैरेन्काइमा हैज इलोंगेटेड सेल, तो यहाँ की जो सेल हैं वो लंबी होती हैं, लेंथ वाइज प्रेजेंट होती हैं और अरेंज्ड वर्टिकली, और ये खड़ी अरेंज होती हैं, खड़े फॉर्मेट में रहेंगी एंड पैरलर टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरलर होती हैं। डायग्राम में हम समझेंगे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा क्या है, ओवल शेप्ड की होती हैं, राउंड शेप्ड की और लूजली अरेंज्ड होती हैं, यहाँ पे कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट नहीं मिलेगा, खाली जगह देखने को मिलेगी बीच में बिलो द पैलिसाइड, और ये पैलिसाइड के नीचे प्रेजेंट होती हैं और लोअर एपिडर्मिस के ज़्यादा प्रोक्सिमिटी में रहती है, पास में रहती हैं। और न्यूमरस लार्ज स्पेस यहाँ पे काफ़ी खाली जगह देखने को मिलती हैं और एयर कैविटीज भी देखने को मिलती हैं क्योंकि जो स्टोमेटा हैं वो इन्हीं के अंदर आके ओपन होते हैं, इसलिए नीचे वाली सरफेस में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद वेस्कुलर बंडल कैन बी सीन इन वीन्स एंड मिडरीब्स एट साइज डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ वीन, तो वीन है जो नसें होती हैं पत्ते की, जो वेसल्स होती हैं
उनके अंदर हम जब उनका टीएस देखते हैं तो उनके अंदर वैस्कुलर बंडल देखे जा सकते हैं, और उनका जो साइज है वो वीन के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। पतली वीन है तो साइज छोटा मिलेगा, मिडरी पे जैसे उसके अंदर साइज काफी बड़ा देखने को मिल जाए, जो पत्तों के बीचों बीच एक मोटी ट्यूब होती है तो उसके अंदर जो ये वैस्कुलर बंडल उनका साइज भी बड़ा होता है। वैस्कुलर बंडल सराउंडेड बाई ए थिक वॉल्ड बंडल सीथ सेल, तो यहाँ पर बंडल सीथ सेल प्रेजेंट होती हैं जो कि वैस्कुलर बंडल को कवर करने का काम करती हैं। सीथ का मतलब कवरिंग बोल सकते हैं, और मोटी वाल होती है इनकी, जो सेल वाल है वो काफ़ी मोटी देखने को मिलती है। वीन्स वेरी इन थिकनेस इन रेटिकुलेट वेनिएशन, तो जो रेटिकुलेट वेनिएशन है वो डाइकोटिलेडन लीफ का ही करेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसके अंदर जो वीन्स है वो एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं पत्ते के ऊपर, और वहाँ पर जो थिकनेस है वो भी अलग अलग देखने को मिल जाती हैं। तो जो माइक्रोस्कोपिक पिक है उसमें देख सकते हैं हम, जो ऊपर वाली एपिडर्मिस है वो बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन नीचे वाली जो एपिडर्मिस है उसके अंदर जगह जगह पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। मिडल ये मिडरिब का पोर्शन है जिसके अंदर वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। ऊपर की तरफ है जो पैलिसेड पैरेन्काइमा होती है जो वर्टिकली प्रेजेंट होती हैं, और इसके नीचे हैं जो स्पंजी पैरेन्काइमा होती हैं, क्योंकि इसके अंदर बीच में खाली जगह पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं जो कि स्टोमेटा के द्वारा ओपनिंग की वजह से होती हैं। और जो डायग्राम है वो यहाँ से समझ सकते हैं हम, जैसे ये अपर एपिडर्मिस है, ये पैलिसेड पैरेन्काइमा है जो कि वर्टिकली प्रेजेंट है, लंबी सेल पाई जाती हैं, और यहाँ पे एयर स्पेस पाया जाता है कि इसके अंदर स्पंजी मेसोफिल के अंदर, और ये मेसोफिल ही होती है पैलिसेड और स्पंजी मेसोफिल, और जो स्टोमेटा है वो इन्हीं के अंदर ओपन होते हैं जो स्पंजी मेसोफिल हैं। ऊपर वाली लेयर का काम सनलाइट अब्जॉर्प्शन का होता है, और नीचे वाली साइड में ज़्यादा स्टोमेटा देखने को मिलते हैं, इसलिए इसलिए डोर्सो वेंट्रल लीफ कहा जाता है, डाइकोटिलेडन प्लांट्स की खास बात होती है। उसके बाद है एनाटोमी ऑफ आइसोबाइलेटरल या मोनोकोटिलेडन लीफ, तो इसके अंदर क्या है, स्टोमेटा दोनों साइड पे मिलेंगे, दोनों सरफेस पे मिलते हैं, इक्वल मिलते हैं, इसलिए इसको आइसोबाइलेटरल लीफ भी बोलते हैं। मेसोफिल नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा, तो यहाँ पे जो मेसोफिल है वो भी एक ही टाइप की देखने को मिलेगी क्योंकि स्टोमेटा दोनों साइड में प्रेजेंट है। एक स्पेशल जो टाइप की सेल पाई जाए कि वुलीफॉर्म सेल, वो क्या है, एडेक्जियल एपिडर्मल सेल अलोंग वीन्स मॉडिफाई इनटू ए लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स इन ग्रास, ग्रास के अंदर जो एडेक्जियल सरफेस होती है, डोर्सल साइड होती है जो, वो वीन के साथ मिलके एक स्पेशल टाइप की खाली कोशिकाएं बनाती हैं और वो कलरलेस होती हैं। और वैन वुलीफॉर्म सेल एब्जॉर्ब वाटर, जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं वुलीफॉर्म सेल, तो ये ट्रजिडिटी कठोर हो जाती हैं और लीफ सरफेस वो एक्सपोज हो जाती है, तो मतलब ये पत्ते को अपनी सेफ को बनाए रखने के लिए ट्रजिडिटी प्रोवाइड करती है पानी के एब्जॉर्ब करते ही। वैन प्लैकिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस मेक लीफ कर्ली इन द वार्ड इनवार्ड टू मिनिमाइज द वाटर लॉस, और जब ये फ्लैकिड होती हैं मतलब जब इनमें से वाटर लूज हो जाता है तो ये पत्ते का जो शेप है वो मुरझा जाता है, करली टाइप में हो जाता है ताकि वाटर लॉस से बचा जा सके। तो वाटर जब ज़्यादा चाहे इनके पास तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते को एक्सपोज रखती है, ज़्यादा ज़्यादा पत्ते को खुला हुआ रखेंगी, और जैसे ही पानी का जाएगा तो पत्ते को सिकुड़वा देती हैं जिससे कि जो वाटर लॉस है उसको कम किया जा सके। पैरलर विनेशन जो स्पेशल मोनोकोट की खास बात होती है, साइज ऑफ द वैस्कुलर बंडल एक्सेप्ट इन द मेन वीन के अलावा जो वैस्कुलर बंडल है वो सिमिलर साइज के मिलते हैं, मेन वीन में थोड़े से ज़्यादा बड़े साइज के देखने को मिलेंगे। उसके बाद पिक हम देख सकते हैं, ये वैस्कुलर बंडल जगह जगह मिलेंगे और पैरेलल मिलेंगे, और बीच में मेन मिडर भी रहेगी, ठीक, और स्टोमेटा है वो अपर साइड में और लोअर साइड में एक जैसे मिलते हैं। तो ये रियल पिक है माइक्रोस्कोपिक की, इसलिए थोड़ा सा कम स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन यदि हम डायग्राम देखते हैं इसका तो इसके अंदर हम समझ सकते हैं कि एक क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है ऊपर की तरफ, और उसके बाद स्टोमेटा ऊपर भी प्रेजेंट हैं और नीचे वाली साइड में भी प्रेजेंट हैं। ये मिडरिब है, उसके बाद जगह जगह पे वीन्स मिलेंगी और पैरलर मिलती हैं, काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं। जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है इनके अंदर वैस्कुलर बंडल, और उसके बाद जो मेसोफिल है वो एक टाइप की ही लेयर देखने को मिलेगी, यहाँ पे कोई स्पंजी या फिर पैलिसाइड टाइप का अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और वुलीफॉर्म सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, एपिडर्मिस के नीचे ही प्रेजेंट होती हैं जो कि ट्रजिडिटी प्रोवाइड करती हैं लीफ को। उसके बाद है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ क्या चीज होती है, डेफिनेशन देखते हैं। ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम इन लेंथ विद हेल्प ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम,
तो एक बारी जो प्लांट है शुरुआत में जो ग्रोथ करता है वो लेंथ वाइज ग्रोथ करता है, हाइट गेन करता है, और उसके बाद वो साइड वाइज फैलना शुरू करता है। जो उसके स्टेम हैं, ब्रांच हैं, वो मोटाई गेन करते हैं, ग्रिथ गेन करते हैं। तो प्राइमरी ग्रोथ में जो हाइट होती है वो किसकी वजह से, लेंथ है जो, वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से गेन करता है पौधा। और जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसके अंदर गिर्थ है जो मोटाई है वो इंक्रीज होती है अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ से अलग, एग्जिबिटेड बाय द डाइकोटिलेडन प्लांट। और ये जो ग्रोथ है वो स्पेशली डाइकोटिलेडन प्लांट्स के अंदर ही देखने को मिलेगी, इसलिए वहाँ पे ओपन टाइप की ग्रोथ बोला जाता है। टिश्यू इन्वॉल्व्ड टू लेटरल मेरिस्टेम, तो यहाँ पे जो टिश्यू हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं वो वेस्कुलर कैम्बियम और कोरक कैम्बियम दो होते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम क्या रहता है, मेरिस्टमेटिक लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ दैट इज बिटवीन जाइलम एंड फिलोएम। तो जाइलम और फिलोएम के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है मेरिस्टमेटिक टिश्यू की, कटिंग ऑफ का मतलब जो अलग अलग करती है। और इन पैचेज एज ए सिंगल लेयर इन यंग स्टेम, तो यंग स्टेम में ये एक सिंगल लेयर के रूप में प्रेजेंट होती है, दब्बे से मिलते हैं, जगह जगह पे मिलेंगे ये। लेटर फॉर्म्स ए कम्प्लीट रिंग, और बाद में ये आपस में मिलके एक कम्प्लीट जो रिंग है वो देखने को मिल वो बनाते हैं। उसके बाद हम डायग्राम से देख सकते हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो, जैसे पहले ये पोर्शन सेंटर में था लेकिन जैसे सेंटर में नई ग्रोथ देखने को मिलेगी और ये वाला पोर्शन बाहर की तरफ जाता रहेगा, और कोरक है जो वुड है वो बनाने का काम करता है, छाल है वो बनाता है। और उसके बाद जो फिलोएम है, वेस्कुलर कैम्बियम है, जाइलम है, वेस्कुलर कैम्बियम जाइलम और फिलोएम के बीच में रहता है, जिसकी वजह से जैसे जैसे इसके अंदर ग्रोथ होगी तो फिलोएम को बाहर की तरफ धकेला जाएगा, जाइलम को सेंटर की तरफ धकेला जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यू बनते हैं, कॉम्पैक्टनेस आती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये प्रोवाइड करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं पौधे को, उनके स्टेम को, ब्रांचेज को। उसके बाद है वेस्कुलर कैम्बियम, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग देखते हैं कि कैम्बियल रिंग कैसे बनती है। इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, कंटिन्यूस रिंग ऑफ कैम्बियम फॉर्म्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल, कुछ सेल हैं वो अपना जो आकार है वो बदलती हैं उसकी वजह से ये रिंग है वो बनती है। और किस किस के बीच में होती है, प्राइमरी जाइलम एंड फिलोएम के बीच में विद द सेल ऑफ मेडुलरी रेज इन मेरिस्टमेटिक एंड डाइकोट स्टेम। तो डाइकोट स्टेम में देखने को मिलती है ये मेडुलरी रेज की कुछ सेल्स हैं वो फिलोएम और जाइलम के साथ मिलके ही, जो जाइलम और फिलोएम के बीच में कुछ सेल प्रेजेंट होती हैं उनके साथ मिलके ही इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम है। इंट्रा मतलब विद इन, फैसिकुलर कैम्बियम है, कैम्बियम के अंदर ही ये प्रेजेंट होती हैं सेल्स। एक्टिविटी क्या रहेगी कैम्बियल रिंग की, कैम्बियल रिंग बिकम्स एक्टिव एंड कट ऑफ न्यू सेल। तो कैम्बियल रिंग है जैसे सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है तो ये एक्टिव हो जाती हैं और अपनी जो नई सेल हैं उनके अंदर बदलना शुरू हो जाती हैं, नई नई सेल बनाती हैं। टुवार्ड्स विथ मैच्योर इंटू सेकेंडरी जाइलम, तो ये सेंटर की तरफ तो जाइलम बनाती हैं और जबकि बाहर की तरफ है ये फिलोएम बनाती है, सेकेंडरी फिलोएम बनाती हैं। और ये इनर साइड में ज़्यादा एक्टिव होती हैं किसकी कंपैरिजन में, बाहर की साइड में। देन ऑन आउटर सरफेस, सो सेकेंडरी जाइलम इज प्रोड्यूस्ड मोर देन सेकेंडरी फिलोएम, तो सेकेंडरी जाइलम है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, सेकेंडरी फिलोएम है वो कम बनता है। सोन फॉर्म में कॉम्पैक्ट मास, और आराम आराम से सेल है ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी होती रहेंगी और कॉम्पैक्टनेस वहाँ पे स्पेस है, वहाँ पे जो सारा खाली जगह है वगैरह है वो वहाँ पे कवर कर लेती हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम क्रस्ट ड्यू टू द कंटिन्यूस फॉर्मेशन, जैसे जैसे नई सेल बनेगी तो पुराने वाले जो जाइलम है और फ्लोएम है, खासकर जो फ्लोएम है प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम, वो आराम आराम से सिकुड़ जाते हैं, बिल्कुल क्रस्ट हो जाते हैं, कुचल दिए जाते हैं सेल्स के द्वारा। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, और सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा वहाँ पे। प्राइमरी जाइलम रिमेंस मोर और लेस इंटैक्ट, और प्राइमरी जाइलम है सेंटर की तरफ होता है, हो सकता है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, तो जो फ्लोएम है वो ज़्यादा इस चीज़ के जो इस चीज़ है ज़्यादा क्रस्ट होता है, ज़्यादा उसकी जो नंबर है वो कम से कम देखने को मिलेगा। सेकेंडरी मेडुलरी रेज नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा पासिंग थ्रू द सेकेंडरी फाइलम एंड सेकेंडरी फिलोएम इन द रेडियल डायरेक्शन, तो रेडियल डायरेक्शन अलग अलग जो रेडियस है उनके अंदर सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फिलोएम के बीच में एक पैरेन्काइमेटस सेल से बनी हुई एक पट्टी होती है, नैरो बिल्कुल पतली एक पट्टी प्रेजेंट होती है, उसी को सेकेंडरी मेडुलरी रेज बोलते हैं। तो ये हम वेस्कुलर कैम्बियम है उसको देख सकते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग रिंग है वो देखने को मिलेंगी, तो अंदर की तरफ है वो जाइलम बनते रहेंगे, बाहर की तरफ है फिलोएम, और फिलोएम को ज़्यादा क्रस्ट
किया जाएगा, क्योंकि जो ग्रोथ है वो जाइलम ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे और वो बाहर की तरफ उनको धकेलते रहेंगे, जिसकी वजह से फ्लोएम है वो क्रस्ट होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे और हम इसका जो वुड है, वुड को जब हम बिल्कुल थिन डाइसेक्शन उसका करते हैं तो उसके अंदर ये जो रिंग है, अलग अलग टाइप की जो रिंग है वो सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से ही देखने को मिलती है। उसके बाद स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। तो वसंत ऋतु में जो लकड़ी बनती है और जो पतझड़ ऋतु में लकड़ी बनती है वो अलग अलग देखने को मिलती है। एक ही स्टेम के अंदर अलग अलग वो ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी, उसी से वुड के टाइप अलग अलग हो जाते हैं। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अंडर कंट्रोल ऑफ मैनी फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। जो कैम्बियम है जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है उसकी जो एक्टिविटी है वो अलग अलग देखने को मिलती है, और उनके अंदर जो इंटरनल बिहेवियर है वो भी अलग रहता है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं वो भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे जो ऋतुएं हैं अपने वो अलग अलग रहती हैं, तो उसमें ग्रोथ भी अलग अलग देखने को मिलती है। इन टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल और टेम्परेट जो रीजन होते हैं जो कि ज़्यादातर ठंडे एरिया की तरफ चले जाते हैं, ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटर के आसपास वाले रीजन होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होती, वहाँ पे सर्दी गर्मी देखने को मिल जाती हैं। स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड क्या होती है, कैम्बियम इज वेरी एक्टिव इन स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में जो कंडीशन है वो ज़्यादा फेवरेबल रहती हैं पौधे की ग्रोथ के लिए, जिसकी वजह से कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव रहेगा और वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स, ज़्यादा जाइलम वहाँ पर पैदा करेगा। हैविंग द वेसल्स विद वाइडर कैविटी, और जो कैविटीज हैं वो भी वाइडर बनेगी वहाँ पे, लाइटर इन कलर, और ये वुड है ज़्यादा लाइटर होती है, कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है क्योंकि ग्रोथ फटाफट होती है। हैज ए लोअर डेंसिटी, और यहाँ पे डेंसिटी है वो गंतव्य है वो भी कम देखने को मिलता है। लेकिन जो ऑटम वुड होती है, लेट वुड, उसमें कैम्बियम है लेस एक्टिव होता है क्योंकि कंडीशन इतनी फेवरेबल नहीं होती, जिसकी वजह से जाइलरी एलिमेंट, जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं वो कम मिलते हैं, बनते हैं वहाँ पे, और नैरो वेसल्स बनेगी जिसकी वजह से जो वेसल्स है वो पास पास मिलेंगी और डार्कर मिलता है ये वुड। और हाइयर डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाइयर देखने को मिलती है क्योंकि वो वहाँ पे खाली जगह है, होलो स्पेस है, वो कम देखने को मिलता है। एनुअल रिंग, टू काइंड्स ऑफ वुड हैं जो ये वुड हैं, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, वो अलग अलग अल्टरनेट फैशन में बनती हैं, एक बारी स्प्रिंग फिर ऑटम फिर स्प्रिंग फिर ऑटम, इस तरीके से जो से रिंग बनती हैं एनुअल रिंग, एक साल में एक ही कंप्लीट रिंग बनती है। कैन बी सीन इन कट, जब हम स्टेम को काटते हैं तो उसमें एक छल्ले के रूप में जो भी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, तो उससे हम जो ट्री है उसकी एज का भी पता लगा सकते हैं क्योंकि एक साल में एक ही रिंग है वो बनती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो वुड है, वुड को डाइसेक्ट जब किया जाता है तो इसके अंदर जो काफ़ी छल्ले से देखने को मिलेंगे, सेंटर में पीत होता है। स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड देख सकते हैं, जो स्प्रिंग वुड होती है वो लाइटर इन कलर होती है, वैसे ऑटम वुड वो डार्कर इन कलर होती है, और कैम्बियम रिंग है वो इनके बीच में प्रेजेंट होता है जो कि साइड में ग्रोथ कराता रहता है। तो जो कैम्बियम रिंग वो आउटवर्ड चला जाता है, जैसे जैसे ग्रोथ होती रहेगी बाहर की तरफ चलता रहेगा और अलग अलग जो वुड है वो बनाता रहेगा। उसके बाद हर्ट वुड और सैप वुड एंड सैप वुड। तो हर्ट वुड क्या होती है, डार्क ब्राउन पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इन ओल्ड ट्री, जो बड़े पेड़ हो जाते हैं उनके अंदर जो गाढ़े भूरे रंग का एक भाग बनता है सेकेंडरी जाइलम का, तो हर्ट वुड बनाता है ड्यू टू डिपोजिशन, किसकी वजह से ये डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंस, एसेंशियल ऑयल, वो इसके अंदर इकट्ठे होते रहते हैं विद हाईली लिग्निफाइड वाल्स, और जो यहाँ पे वाल्स हैं वो भी काफ़ी लिग्निन सब्सटेंस उनके अंदर डिपोजिट होता चला जाता है, जिसकी वजह से वो इसको हार्ड बनाती है, मजबूत बनाती है, ड्यूरेबल, लंबे टाइम तक चलने वाला बनाती है, और अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट, उनका इनके ऊपर काफ़ी जो अटैक है वो कम देखने को मिलता है क्योंकि वो उसके प्रति रेजिस्टेंस हो जाती है, प्रतिरोधकता उसमें आ जाती है। डजंट कंडक्ट वाटर बट गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू स्टेम, ये वाटर नहीं कंडक्ट करती हैं, वाटर का कोई कंडक्शन नहीं रहेगा, पानी को नहीं ट्रांसपोर्ट करेगी, लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करती हैं। सैप वुड क्या होती हैं, लाइटर पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, तो सेकेंडरी जाइलम का जो बाहरी रीजन है वो थोड़ा अड़के रंग का देखने को मिलेगा, बाहरी जो सेकेंडरी जाइलम है, और इसके अंदर जो वाटर कंडक्शन है वो देखने को मिलता है, और मिनरल का ट्रांसपोर्ट भी ये देखने को मिलेगी। सैप का मतलब लिक्विड पदार्थ होता है, और ये लिक्विड पदार्थ मतलब वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं, जबकि जो हर्ट वुड है वो सेंटर से प्रेजेंट होती हैं, जो कि ज़्यादा कुछ वाटर वगैरह है उसके कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं।
तो यहाँ से हम रियल पीक केंद्रनी को समझ सकते हैं। बाहर वाला जो पोर्शन है लाइट कलर का, वो सैपवुड कहलाता है क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट का काम रहता है इसका। और जो सेंटर वाला पार्ट है वो हर्टवुड कहलाता है, वो डार्क ब्राउन कलर का है क्योंकि इसके अंदर अलग अलग सब्सटेंस हैं वो डिपॉजिट होते रहते हैं। उसके बाद कोरक कैम्बियम, आउटर कोर्टिकल एंड एपिडर्मिस लेयर गेट ब्रोकन ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। तो बाहर वाले जो रीजन होते हैं कोर्टिकल लेयर है और जो एपिडर्मिस है वो टूटना शुरू हो जाती है क्योंकि उसके अंदर लगातार जो ग्रोथ होती जा रही है उसकी वजह से वो अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ब्रेक होती रहती है वो, एंड नीड टू बी रिप्लेस टू प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर्स। और बाहर की जो लेयर है बार बार रिप्लेस होती रहती है, जो छाल वगैरह बार बार जड़ती है स्टेम की, तो वो बार बार रिप्लेस होती रहती है। तो फैलोजन क्या चीज़ होती है? कपल ऑफ लेयर्स थिक मेड ऑफ नैरो थिन वॉल्ड रेक्टेंगुलर सेल्स कट ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड्स डेवलप्स इन द कोर्टेक्स रीजन। तो ये काफ़ी सारी लेयर की बनी होती हैं जो कि थिक मोटी लेयर, मोटी मेड ऑफ नैरो, काफ़ी मोटी लेयर होती हैं ये जो कि नैरो सेल से बनी होती हैं बिल्कुल, और थिन वॉल्ड उनकी सेल हैं, थिन वॉल्ड रहेंगी, सेल वॉल हैं जो, और रेक्टेंगुलर सेल्स जो आयताकार सेल होती हैं, कट ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड, जिसके अंदर जो सेल्स हैं वो दोनों साइड में बनेंगी, कोर्टेक्स रीजन में भी, बोथ साइड्स डेवलप इन कोर्टेक्स रीजन, कोर्टेक्स रीजन में दोनों साइड में ग्रोथ देखने को मिलती है इस फैलोजन टिश्यू के अंदर। तो कोरक और फैलम आउटर सेल्स इंप्रीवियस टू द वाटर, तो जो बाहर वाली साइड में जो सेल बनेगी वो वाटर के प्रति इंप्रीवियस होती हैं, जो वाटर को अपने अंदर नहीं जाने देती क्योंकि इनके अंदर सबरीन नाम का जो सब्सटेंस है वो प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी कोर्टेक्स और फेलोड्रम ये इनर वाली साइड में प्रेजेंट होता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है जो कि कोरम कैम्बियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर। पेरिड्रम इंक्लूड फैलोजन, फैलम और फैलेड्रम, फैलोड्रम, तो ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं पेरिड्रम के अंदर, इसमें सारे पोर्शन है वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कोरक कैम्बियम प्रेशर बिल्ड्स अप ऑन द रिमेनिंग लेयर्स। तो कोरक कैम्बियम की वजह से जो प्रेशर है अंदर वाले लेयर के ऊपर वो बनता रहता है, पेरिफेरल टू द फैलोजन एंड अल्टीमेटली डाई एंड स्लो ऑफ। तो जो रिमेनिंग लेयर हैं जिसकी वजह से प्रेशर पड़ने की वजह से जो फैलोजन की जो रिमेनिंग लेयर है पेरिफेरी की तरफ वो डेड होती रहती हैं और वो हटती रहती हैं वहाँ से छाल के रूप में। तो हम पिक से समझ सकते हैं जैसे ये फैलम पार्ट होता है लास्ट वाला, उसके बाद फैलोजन इससे बीच वाला पार्ट होता है और फैलोड्रम वाला पार्ट होता है। तो फैलोजन से बाहर वाली की तरफ फैलम बनता रहता है और अंदर वाली तरफ फैलोड्रम बनता रहता है, और इन्हीं सबको क्या बोलते हैं? पेरिड्रम, क्योंकि ये पेरी का मतलब है पेरीफ्री की तरफ प्रेजेंट होती हैं और ड्रम का मतलब ड्रमिस, तो ड्रमिस लेयर का काम करती हैं, वेस्कुलर बंडल होते हैं, तो पेरिड्रम इस तरीके से फॉर्म होती है। उसके बाद है बारक, बारक एक नॉन टेक्निकल टर्म है जो कि जितना भी टिश्यू प्रेजेंट होता है वैस्कुलर बंडल के बाहर उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, इंक्लूडिंग सेकेंडरी फिलोयम। तो इसके अंदर सेकेंडरी फिलोयम है वो भी आ जाता है, और जैसे कि जो पेरिड्रम हमने पढ़े हैं वो भी आ जाते हैं, और सेकेंडरी फिलोयम और पेरिड्रम दोनों से मिलकर बनती है बार्क। टाइप्स क्या होते हैं इसके? अर्ली और सॉफ्ट बार्क फॉर्मड अर्ली इन द सीजन, जो शुरुआती टाइम पे बनती है वो सॉफ्ट रहती है, नरम छाल होती है, और जो लेट जो बाद में बनती है वो हार्ड होती है, फॉर्मड एट द एंड ऑफ सीजन, सीजन के बाद में जो बनती है ज़्यादा वहाँ पे डेंसिटी भी देखने को मिलेगी, मजबूत भी होती है वो। लेंटिकल्स क्या होते हैं? एक नंबर में पूछ लेते हैं, लेंस शेप्ड ओपनिंग, जैसे लेंस होता है लेंस जैसे आकार की छिद्र होते हैं जो कि एपिडर्मिस है, उसके रप्चरिंग की वजह से, क्योंकि अंदर जो ग्रोथ हो रही है लगातार उसकी वजह से बाहर वाली जो लेयर है एपिडर्मिस वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से लेंटिकल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। ड्यू टू क्लोजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल, तो जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो पास पास में अरेंज हो जाते हैं, उसकी वजह से ये लेंटिकल्स बनता है। परमिट एक्सचेंज ऑफ, तो स्टोमेटा जैसे लीफ के अंदर काम करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज का, इसी तरीके से वुड ट्रीज के अंदर ये भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज का काम करता है। उसके बाद हम पिक से समझ सकते हैं अर्ली वुड लेट वुड के जो पिक हैं ये लाइटर कलर में रहती हैं अर्ली वुड, और जो लेट वुड है वो डार्कर कलर में मिलेगी। छाल भी इसी तरीके से अलग अलग सॉफ्ट और डार्क, हार्ड हार्ड और सॉफ्ट देखने को मिलती हैं। उसके बाद जो लेंटिकल्स हैं वो हम देख सकते हैं रप्चरिंग की वजह से, एक लेंस टाइप की जो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है,
कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स होती हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज के अंदर मदद करती हैं, क्योंकि ऊपर वाली जो लेयर है वो तो डेड हो जाती हैं, तो अंदर वाली जो पेरिनकाइमेटस सेल है वहीं से क्या रहता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज देखने को मिलता है। उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ रूट में कैसे होती है, तो जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो कम्प्लीटली सेकेंडरी रहता है इन ओरिजन, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोटिलेडन में देखने को मिलेगी, और वेस्कुलर कैम्बियम का काम सेकेंडरी ग्रोथ को करवाने का ही होता है। ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फिलोएम बंडल के बिल्कुल जो नीचे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उन्हीं से ये ओरिजिनेट होता है। ए पोर्सन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू अबोव द प्रोटोजाइलम फॉर्मिंग ए कम्प्लीट एंड कंटिन्यूअस वेवी रिंग विच लेटर बिकम सर्कुलर। तो एक पोर्सन होता है पेरिसाइकल टिश्यू का जो कि प्रोटोजाइलम के ऊपर प्रेजेंट होता है, और ये क्या बनाता है, कंप्लीट और कंटिन्यूस लगातार एक वेवी का मतलब है लेयर टाइप में जैसे धारीदार एक रिंग देखने को मिलेगी जो कि बाद में सर्कुलर हो जाती है। फर्दर इवेंट्स आर सिमिलर टू द स्टेम, और बाद में जितने भी इवेंट्स हैं सेकेंडरी ग्रोथ के उस स्टेम जैसे ही रूट में भी देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत वाले कुछ पॉइंट है वो हम ध्यान रख सकते हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम है वो सेकेंडरी, ये तो हमको पता ही है। यहाँ पे एक वेवी रिंग है वो देखने को मिलती है जो स्पेशल है। तो यहाँ पे जो रूट है, रूट का जब डाइसेक्शन देखते हैं हम, जो जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ है उसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं वो देखने को मिल सकती हैं। तो पिक से एक आइडिया ले सकते हैं कि जो यहाँ पे कॉम्पैक्टनेस है वो ज़्यादा बढ़ती रहेगी, जो सेंटर में सेल हैं वो थोड़ी सी लूज रहेंगी, बाहर वाली सेल्स हैं वो कॉम्पैक्ट होती रहती हैं, उन्हीं से वुड बनता है।